इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मींस तुल्यांक चालकता का और मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता का। और मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ जिसे कोलराउच लॉ कहते हैं, तो इस लॉ को डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन और फार्मूले से प्रूफ करेंगे कि कैसे मोलर कंडक्टिविटी इससे रिलेटेड होती है। तो डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, इसे तुल्यांक चालकता कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के उस विलयन की कंडक्टिविटी जिसमें एक ग्राम तुल्यांक, डिफाइन करने के लिए ये एक विशेष परिस्थिति है कि वन ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुलाव उसके तुल्यांक चालकता कहलाती है और इसे बच्चों लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन वन ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन इट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा सिंबल एंड इट्स रिलेटिव फार्मूला इज लैम्डा इक्वल्स टू कप्पा इनटू वी। तुल्यांक चालकता के लिए ये फार्मूला होगा जहां लैम्डा तुल्यांक चालकता है एंड वी वॉल्यूम। और अब डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी का यानी मोलर चालकता का, या इसे आणविक चालकता भी कहते हैं, आणविक चालकता। किसी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के उस विलयन की कंडक्टिविटी जिसमें वन ग्राम मोल, एक ग्राम अणु, डेफिनेशन के लिए आपका ये ब्रीफ पॉइंट होगा कि वन ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो उसकी आणविक या मोलर चालकता कहलाती है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन वन ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन इट। और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, सिंबलाइज करते हैं म्यू से, देन फार्मूला होगा म्यू इक्वल्स टू कप्पा इनटू वी, या इसको लिख सकते हैं K इक्वल्स टू 1000 बाय C, या K इक्वल्स टू 1000 अपॉन M, M फॉर मोलर कंडक्टिविटी। सिंबलाइज करें इसे, तो मोलर कंडक्टिविटी को इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कैप एम से और या माइक्रोन से। तो अभी डिस्कस करेंगे कोलराउच लॉ का, और यह है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम मींस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। साइंटिस्ट कोलराउच द्वारा इसे डिस्कवर किया गया और यह रूल बेस्ड है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस पर। तो आइए सबसे पहले इसे इसकी एग्जैक्ट लॉ की कंडीशन या डेफिनेशन जान लें, फिर फार्मूला और फिर एग्जाम। अकॉर्डिंग टू कोलराउच लॉ द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ कंडक्टेंस of cation and anion of solution। बच्चों इस लॉ की कंडीशन है, सबसे पहले तो इनफिनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है उसकी कंडक्टिविटी, अब ये कंडक्टिविटी यहां इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो सकती है या मोलर कंडक्टिविटी हो सकती है, तो इनके जो मान है, इनके जो वैल्यूज हैं, वो कैटायनों और एनायनों की इन्फिनाइट डाइल्यूशन का सम होते हैं मीन्स टोटल होते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मोलर कंडक्टिविटी को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं
या इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगर डाइल्यूशन इनफिनाइट है देन इसको इस तरह से सिंबलाइज कर सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के लिए इसी तरह से इनकी कंडक्टिविटी को शो करेंगे। तो इन सिंबल्स को लेकर के अगर इस लॉ पर बेस्ड फार्मूला डेराइव करें देन वी सेज दैट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू द इनफिनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ देयर पॉजिटिव आयन प्लस इनफिनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी उसकी नेगेटिव आयन्स की। इनका जो टोटल है वो इनफिनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर होगा। तो बच्चों तुल्यांक चालकता के लिए फार्मूला होगा इक्विवेलेंट इनफिनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ऑफ देयर पॉजिटिव आयन एंड कंडक्टिविटी ऑफ देयर नेगेटिव आयन, और इनका टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर होता है। या अदर सिंबल्स में यूज करें मोलर कंडक्टिविटी के लिए देन इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ देयर पॉजिटिव आयन प्लस इनफिनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ देयर नेगेटिव आयन। इस तरह से इन फार्मूलों को यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब लेते हैं इसका एक एग्जांपल और इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस के बारे में जान लें। तो इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस लाइक एज NaCl सोडियम क्लोराइड HCl KCl CH3COOH कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस यहां पर लिए गए। और इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस के बारे में हम जानते हैं कि ये वे पदार्थ हैं वे सबस्टेंस हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा अपने आयनों में ब्रेक करते हैं। सपोज करें कंडीशन अप्लाइड करें सोडियम क्लोराइड के लिए कोलेराउस शिला की। तो बच्चों सोडियम क्लोराइड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ब्रेक करता है Na प्लस और Cl माइनस आयंस में। देन अगर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करें सोडियम क्लोराइड के लिए तो फार्मूला होगा इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल्स टू देयर आयंस इनफिनाइट कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एंड इनफिनाइट कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो इस तरह से बच्चों यहां ये सोडियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशन पर फाइंड आउट की जा सकती है। नाउ सेकंड एग्जांपल फॉर HCl। बच्चों HCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर H प्लस और Cl माइनस आयंस प्राप्त होते हैं। देन इसकी कंडक्टिविटी शो करेंगे मोलर कंडक्टिविटी शो करेंगे इनफिनाइट डाइल्यूशन पर। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एंड इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl। और अगर कोई ऐसे सबस्टेंस है जिनमें मोल नंबर इंक्रीज करता है देन उनको भी यहां पर एडिट करते हैं। नाउ थर्ड फॉर KCl पोटेशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस है इलेक्ट्रोलिसिस से ब्रेक करता है K प्लस और Cl माइनस में। कंडक्टिविटी शो करेंगे इनफिनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ KCl इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस एंड कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो यही रूल कह रहा था कि जो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता है वह उस विलयन में उपस्थित सबस्टेंस के जो आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव उनकी चालकताओं का योग होता है। नाउ फॉर एसिटिक एसिड CH3
COOH, और ये इलेक्ट्रोलिसिस से ब्रेक करेगा H प्लस आयन और CH3COO-, इसे बच्चों एसीटेट आयन कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होगा इनफिनाइट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इक्वल्स टू इनफिनाइट कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस इनफिनाइट कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO-। तो ऐसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से हम कोलराउस चला की कंडीशन को समझ सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि इस कोलराउस चला के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कौन से अनुप्रयोग हैं। बच्चों इनफिनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट मींस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इस लॉ के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये कंडक्टिविटी हम इक्विवेलेंट वे पर भी कैलकुलेट करते हैं और मोलर कंडक्टिविटी भी इनफिनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट करते हैं। तो किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुल्यांक चालकता की गणना कोलराउस लॉ के माध्यम से कर सकते हैं। देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएशन की वैल्यू मतलब कितनी क्वांटिटी में उसका वियोजन हुआ उस मात्रा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना सो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ थर्ड दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन स्थिरांक इसको डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कहते हैं इसकी भी गणना कर सकते हैं। मीन्स कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड लास्ट पॉइंट वन इज वैद्युत अपघट्यों में जो उसके आयन्स हैं कैटायन और एनायन्स मीन्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन उनके अभिगमन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मीन्स ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसी कारण से इस लॉ को आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं। चलिए कंडक्टिविटी पर बेस्ड मोलर कंडक्टिविटी पर बेस्ड एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन से टू यू 298 केल्विन टेम्परेचर पर 0.20 m मींस मोलर सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर है। ये इसकी एसआई यूनिट है सीमेंस में लिखी गई है इसलिए एस सिंबलाइज करते हैं। इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर सो कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये डिस्कस करें कि सबसे पहले इसमें गिवन क्या है तो इवेल्युएट करें। तो विलयन की जो चालकता है मींस कंडक्टिविटी है वो दी है और साथ में उसका कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन का दिया है। कंडक्टिविटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। विलयन की चालकता मीन्स कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन और इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं सो k इक्वल्स टू 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर ये वैल्यू दी है और दूसरा कंसंट्रेशन दिया हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता और बच्चों सांद्रता को सी से लिखते हो सो सी इक्वल्स टू
0.20 m सॉल्यूशन मोलर है इसलिए कंसेंट्रेशन मोलर और फाइंड आउट करना है इसकी मोलर कंडक्टिविटी. सो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू हाउ मच. बच्चों हम जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा इंटू 1000 अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स सी. इस फार्मूले से मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर वैल्यू पुट अप करें देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू के का वैल्यू गिवन है 0.0248 इंटू 1000 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको 0.20. और बच्चों जब इसे कैलकुलेट करेंगे देन ये कैलकुलेशन से आपको वैल्यू मिलेगी मोलर कंडक्टिविटी की 124 और यूनिट देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. सो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि पूछ रहा था कि इस सॉल्यूशन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए. तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें बस कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला लर्न होना चाहिए. बाकी इवेल्युएशन कर सकते हैं बिकॉज वैल्यू गिवन होगी और उसकी कंसेंट्रेशन गिवन होगी. तो कंसेंट्रेशन से और साथ में है उसकी कंडक्टिविटी से विलयन की चालकता से उसकी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे सेल उनके क्लासिफिकेशन का बिकॉज दे आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल्स और स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट सेल का मैकेनिज्म विथ डायग्राम करेंगे और ये हेल्पफुल होगा आपके अगले यूनिट्स के लिए भी और साथ ही साथ कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी लेंगे सेल के और सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे.